हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं? हाउ आर यू गाइस? इफ यू कैन हियर मी प्लीज से हाय. यस, हाय सहदेव, नमस्कार. अमन, हाय, हेलो, कैसे हो? लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स, लेट एवरीबडी ज्वाइन. रमन जी नमस्कार, अमन सिंह नमस्कार, कैसे हैं? सुष्मिता जी कैसे हैं? सुभाष जी नमस्ते. गुड 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 टू सी दैट यू ऑल आर फाइन. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. आई थिंक क्वाइट ए फ्यू पीपल हैव ज्वाइंड. अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. जैसे कि आप सबको मालूम है, ये शो आपके लिए है और आपका सवाल और मेरा जवाब होता है. तो अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. रमन जी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हो सर आप, वेरी वेरी थैंक्स, थैंक यू सो मच कि आपको ये शो पसंद आ रहा है और कुछ फायदा हो रहा है. तो सबसे पहला सवाल पूछा है सैदव जी ने, सर सोने से पहले मिल्क एंड पीनट बटर लेना ठीक है या नहीं है? मिल्क बिल्कुल ले सकते हैं. मिल्क में केसीन प्रोटीन होता है जो स्लोली डाइजेस्टेबल होता है और उससे आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और रात को अच्छी तरह से नींद भी आता है और स्लोली डाइजेस्ट होता है, तो इसलिए आपका शुगर लेवल भी रेज नहीं होगा. तो बिल्कुल मिल्क ले सकते हैं, लेकिन 100 मिलीलीटर से ज्यादा मत लीजिए, ये मैं रिकमेंड करूंगा. पीनट बटर रात को थोड़ा सा अवॉइड करिए क्योंकि हैवी होता है, आप वो दिन में कोशिश करिए लेने का. ठीक है. अमन सिंह सर, यू गिव वेरी एक्सीलेंट नॉलेज टू ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस शो. और हम दुआ करते हैं कि सबको फायदा मिले और सब अपना डायबिटीज रिवर्स कर सके मेरे प्रोग्राम से या फिर मेरे डायरेक्ट कोचिंग से या जो भी है, बट एवरीबडी शुड बी एबल टू रिवर्स. बहुत सारे लोग मेरे पर्सनल कोचिंग ले नहीं सकते हैं क्योंकि दे फील कि वो अफोर्डेबल नहीं है, तो उनके लिए मैं लाइव आता हूँ ताकि आप लोग को भी कुछ फायदा मिले. और जो मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं लंबे समय तक, 1 साल के लिए, तो मैं पर्सनल कोचिंग भी देता हूँ. सुभाष जी पूछ रहे, माई वेट इज डिक्रीज्ड, हाउ कैन आई गेन? देखिए, वेट लॉस इसलिए होता है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है. इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपका मसल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है. मसल ब्रेकडाउन होके कीटोन्स रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है, तो इसलिए आपको वेट लॉस होता है. अगर आपको वेट गेन करना है तो एक तो पहले कैलोरीज बढ़ानी पड़ेगी और साथ में आपको अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम करना पड़ेगा. ठीक है सुभाष जी. अ
अमन सिंह सर, कैन एक्सेस प्रोटीन इन द डाइट कॉजेज राइज इन द ब्लड शुगर? बिल्कुल, एक्सेस प्रोटीन अगर आप खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर रेज हो सकता है, लेकिन एक्सेस प्रोटीन हम में से कोई भी नहीं खा सकता। अगर एक्सेस का डेफिनेशन क्या है, एक्सेस का डेफिनेशन है आप अगर 3 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट लेते हैं, यानी कि अगर आपका 70 किलो है और 200-250 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो वो एक्सेस माना जाता है। उतना तो प्रोटीन खाता ही नहीं है कोई, तो एक्सेस की तो दूर की बात आती है। पहले आप अपना जो नॉर्मल लिमिट है उतना तो मीट करिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेस कोई भी नहीं खा पाता है। ठीक है सत्येंद्र सर, मेरा आज SGOT एंड SGPT 10 गुना बड़ा है, और क्या लिखा है, पहले अच्छा प्लेटलेट 75,000 है, और क्या अवॉइड करूं क्या खाऊं? डायबिटिक भी हूं और इंसुलिन दिस दिस दिस। देखिए एक बार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना जो भी आपके डॉक्टर है उनसे सलाह करिए, क्योंकि आपका SGPT SGOT दोनों हाई है, तो इसलिए एक बार अपने डॉक्टर से सलाह करके। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ तो सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, सो आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दिस। आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको फैटी लिवर भी हो, और ज्यादा कार्ब खाने से ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है, उसके बाद फैटी लिवर भी होता है, और लिवर जो फंक्शन टेस्ट आपने कराया SGOT SGPT वो भी काफी हाई है, तो उसको कम करना बहुत जरूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना बहुत जरूरी है। आप इंसुलिन ले रहे, थोड़ा सा मुझे बताइए, आप इंसुलिन ले रहे मतलब आपको टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है? सैदव जी, होमा HRC पेप्टाइड फास्टिंग इंसुलिन रेंज कितना होना चाहिए? सी पेप्टाइड का नॉर्मल रेंज जो है 0.5-0.6 से लेके 3 तक नॉर्मल रेंज होता है, या 3.5 तक, तो उसके बीच में होना बहुत जरूरी है। होमा IR इसका मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं, वो 1 के नीचे अगर है तो इसका मतलब है आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव है। 1 से लेके 2.9 तक है तो मॉडरेटली आप रेजिस्टेंट है, और 2.9 के ऊपर है तो फिर आपको हाईली इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो काफी लोग पूछ सकते हैं कि होमा IR कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत इजी है। फास्टिंग इंसुलिन मल्टीप्लाइड बाय फास्टिंग ब्लड शुगर डिवाइडेड बाय 405। अगर उस वैल्यू 1 से नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 to 2.9 है तो थोड़ा बहुत दिक्कत है, ज्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 3 के ऊपर है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। सुष्मिता जी सर, आई एम यूजिंग इंसुलिन प्री ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है, स्टिल माई ब्लड शुगर्स आर स्टिल फ्लक्चुएटिंग। एंड आप बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देते हैं हमको, कार्ब्स काउंट करने के लिए इजी हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। थोड़ा सा कार्ब और कम करिए, लेकिन अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो थोड़ा आपको कार्ब भी लेना पड़ेगा। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जरूर देखिए, हर चीज का न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स आपको किसी भी खाने में खाने का चीज के पीछे मिल जाएगा, तो वो देखना सीखिए। और अगर कोई चीज का न्यूट्रिशनल फैक्ट्स मालूम नहीं है तो गूगल करके भी आप उसको निकाल सकते हैं कि 100 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके हिसाब से आप अपना इंसुलिन को एडजस्ट कर सकते हैं। रमन जी पूछ रहे हैं सर, शुगर पेशेंट्स को बनाना खाना चाहिए या नहीं? देखिए कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं, एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है बनाना पे इसी सवाल पे, तो मेरे चैनल में जाइए और यही सवाल आप टाइप करेंगे, बनाना करके लिखेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। डिटेल्ड वीडियो समझाया, आपको समझाया है कि खाना है नहीं खाना है, क्यों खाना है नहीं खाना है, कितना खाना है, सारे चीज बताया है, तो वो वीडियो जरूर देखे रमन जी।
आरके जी पूछ रहे हैं हाउ टू नो वेदर इट इज टाइप 1 और टाइप 2। इस पे भी वीडियो बनाया है। अगर आपका बॉडी इंसुलिन बना रही है तो टाइप 2 है, इंसुलिन नहीं बना रही है और जीएडी एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है तो टाइप 1 है। संबित जी हाय। सत्येंद्र जी टाइप 2 है और सी पेप्टाइड 5 आया था, तो भाई इंसुलिन क्यों ले रहे हो, इंसुलिन बंद करो सबसे पहले। टाइप 2 है और 5-C पेप्टाइड है, सबसे पहले इंसुलिन बंद करो। इंसुलिन बंद नहीं करोगे डायबिटीज तो रिवर्स नहीं होगा, उल्टा और खराब हो जाएगा। अच्छा, इंसुलिन ऐसा नहीं है कि आज ही बंद कर दो, इंसुलिन की डोसेज धीरे धीरे करके दो दो पॉइंट करके कम करो, कार्बोहाइड्रेट कम करो और इंसुलिन का दो दो करके कम करते जाओ, ठीक है, उसके बाद इंसुलिन बंद हो जाएगी। मैंने समझाया है, प्लीज इंसुलिन पे वीडियो देखे, उस पर डिटेल बताया कि कैसे इंसुलिन बंद करना है। संबीर जी हाय, आई एम गुड, आप कैसे हैं? अमन सिंह सर, कैन फैटी लीवर पेशेंट्स टेक हेल्दी फैट्स? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने। फैटी लीवर पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज अभी देखिए, और वो वीडियो शेयर करना ना भूले, क्योंकि बहुत लोगों को फैटी लीवर है और उनको कंफ्यूजन है कि फैट, उनको लगता है कि फैट खाने से फैटी लीवर हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेल्दी फैट खाने से आपका लीवर अच्छा रहता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, जितना आपके बॉडी को चाहिए उतना तो यूटिलाइज हो जाता है, बाकी ट्राइग्लिसराइड में फॉर्म हो जाता है और वो आपके लीवर के बाहर जाके जमा हो जाता है और उसके कारण आपको फैटी लीवर होती है। तो पूरा डिटेल समझाया है फैटी लीवर के बारे में, प्लीज वो वीडियो जाके जरूर देखिए। ठीक है अमन जी। आजाद जी नमस्कार। संबीर जी आई हैव डाउनलोडेड ई डाइट बट इट्स नॉट वर्किंग। देखिए ई डायट ऐप जो है उसमें रेफरल कोड मांगेगा, डायाफिट, मेरा क्लिनिक का नाम है DIFFIT। उसमें बेसिकली सारे मेरे जो प्रोग्राम से, मेरा कोचिंग प्रोग्राम जो है, मैं पर्सनल कोचिंग देता हूँ, उसमें वेट लॉस का प्रोग्राम है, वेट गेन का प्रोग्राम है। तो बेसिकली ई डायट जिनको भी कोच सॉरी जिनको भी कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है उस ऐप में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनको कोचिंग प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करना है वो भी डाइट करके फ्रीली अवेलेबल है। उसमें आप अपना सारे ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप अपना बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर देख सकते हैं, उसके बाद मैं कुछ कुछ रेसिपीज कभी कभी डालता हूँ वो भी आप देख सकते हैं। एवरीथिंग इज फ्री, बट ओनली इफ यू नीड माई कोचिंग, वो फ्री नहीं है, वो उसमें वो चार्जेबल है, उसमें चार्जेस लगते हैं। तो उसका क्या फीस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, वो सारे चीज आप जाके ई डाइट से देख सकते हैं। आजाद जी पूछ रहे हैं SGPT और SGOT बढ़े हुए हैं, क्या इसमें भी कुछ परहेज करना है? बिल्कुल करना है। देखिए लीवर भी आपका खराब होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो आपके लीवर फंक्शन टेस्ट भी खराब होते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना जरूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए ग्लाइसेमिक लोड जो है 25 के नीचे रखिए, एक्सरसाइज करिए, रात को सही टाइम पे सोइए और स्ट्रेस लेवल को कम करिए। ये सारे चीज जब आप करेंगे तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा और ये लीवर फंक्शन टेस्ट जो भी है वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा। रमन जी सर, राइस खाने से शुगर बढ़ा है, जैसे कि सुनते आया है कि शुगर पेशेंट्स को राइस नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है राइस नहीं खाना चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ राइस भी, आप देखिए सोचने वाली बात यह है कि राइस जो लोग खाते हैं, पहले से लोग खाते आ रहे, क्या सबको डायबिटीज हो गया? बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों आज सबको डायबिटीज क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम राइस भी खा रहे हैं और हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हमारा जो है वो सीडेंट्री लाइफ है और हमारा कार्ब इंटेक बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए प्रॉब्लम है। अगर आप कार्ब इंटेक बहुत ज्यादा करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से कितने लोगों ने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, डायफिट, अभी मैं यहाँ लिखता हूँ वो, अगर आपने डाउनलोड सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करिए। डायफिट डॉक्टर ब्लॉग्स के नाम पे वो चैनल सब्सक्राइब करिए। आज देखिए मैंने तकरीबन 63 किलोमीटर साइकिलिंग किया है, मैं अपने घर से हुमायूं टूम गया था, वहां
काफी जगह पे घूमा। 63 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाया, तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटा लगा मुझे। बहुत चढ़ाई था, डाउन था, ये था। उसकी एक ब्लॉग बना रहा हूँ, वो कल अवेलेबल हो जाएगा मेरे दूसरे चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब करिए। देखिए मैं कितना एक्सरसाइज करता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ। तो गाइस, सिर्फ घर पे बैठ के अगर आप खाना खाएंगे और कुछ करेंगे नहीं, तो चावल क्या कुछ भी खा लेंगे तो भी दिक्कत है। मैं चावल भी खाता हूँ, रोटी भी खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, लेकिन 3 से 4 घंटे में एक्सरसाइज भी करता हूँ। तो आप लोग भी अगर 3 घंटे नहीं कर सकते, कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज तो करिए। 1 घंटा तो अपने लिए दे सकते हैं। अगर आप 1 घंटा अपने लिए दे सकते हैं तो चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है संबित जी, थैंक यू। आई वॉन्ट टू टेक योर कोचिंग, श्योर आई विल डू दैट। प्लीज यू कैन डाउनलोड द ई डायट ऐप, आप वहां से आप सारे डिटेल्स है, क्या फीस है, सब कुछ देख सकते हैं। अमन जी सर, आई एम डायबिटिक, एज 41, वेट 91, हाउ मच वेट टू बी रिड्यूस्ड फॉर इंसुलिन रिवर्सल, हाइट इज 5 फीट। देखिए वेट जितना कम करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन सिर्फ वेट पे फोकस मत करिए, फोकस करिए कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग पे। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग करेंगे, प्रोटीन ऑप्टिमम रखेंगे आपको। देखिए बहुत सिंपल, सबके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुने, ठीक है? एवरीबडी शुड लिसन टू दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच अमन जी हैज आस्क्ड। 125 ग्राम से नीचे कार्बोहाइड्रेट रखना है, प्रोटीन ऑप्टिमम लेना है। ऑप्टिमम प्रोटीन कैसे लेंगे आप? आपके जितने भी मान लीजिए जो भी वेट है उसको आप 1.2 से मल्टीप्लाई करिए, उतना प्रोटीन आपको लेना है। उसके बाद जो भी बचेगा वो फैट से लेना है, सिंपल है, ठीक है? ये कैलकुलेशन सारे लोग फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नितिन जी, सी पेप्टाइड 0.8, फास्टिंग इंसुलिन 6.58 है, क्या डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल, आपकी बॉडी अच्छा खासा इंसुलिन बना रही है, आराम से रिवर्स कर सकते हैं। ताजमुल जी पूछ रहे हैं डायबिटीज में सोडा पी सकते हैं? सोडा अवॉइड करिए, सोडा में कुछ भी नहीं है, क्यों पीना है सोडा? कभी कभी ऐश करने के लिए पीना है, पी लेना, वैसे तो कोई मतलब पीना नहीं चाहिए, ठीक है? अमन जी, थैंक्स डॉक्टर फॉर क्लियरिंग डाउट्स, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। अनीता जी पूछ रहे हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज अंडर इंसुलिन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिवर्स, व्हाट इज द बेस्ट फूड टू रिवर्स? देखिए कितना समय लगता है, ये सारे लोग पूछते हैं। कोई लोग 3 महीना में कर सकता है, किसी को 1 साल भी लग सकता है, किसी को 6 महीने भी लग सकता है, किसी को 2 साल भी लग सकता है। ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया, प्लीज वो वीडियो जाके देखे। और कोई ऐसा खाना नहीं है जिसको खाने से आपकी डायबिटीज, सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है, आई एम रियली सॉरी, बट क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था कि लाइव शो आऊंगा, रोज आने की कोशिश करूंगा, तो मैं आया हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। तो ठीक है, रिवर्स के लिए कोई बेस्ट फूड नहीं है, सारे चीज खा सकते हैं। फॉर्मूला यही है कि कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट कम करिए, एक्सरसाइज थोड़ा सा करिए, प्रोटीन ऑप्टिमम रखिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है? और मोहम्मद सिद्दीकी जी पूछ रहे, सर आई लाइक योर वीडियोस, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। आजाद जी पूछ रहे, क्या मिक्स आटे की रोटी खाना सही है? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आटे के साथ कोई भी आटा खाइए, आटा आधा लीजिए, आधा सब्जी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिक्स करके सब्जी के साथ मिक्स करिए। अनिल जी पूछ रहे, सर मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर 130 और पीपी 126, एचबी1सी 6.2, ग्लिमिपेराइड टेबलेट्स, मेटफॉर्मिन भी ले रहा हूँ, मेडिसिन कब बंद करूँ? मेडिसिन जब आपके शुगर लेवल और थोड़ा सा कम, मेडिसिन तो इनफैक्ट आप ग्लिमिपेराइड तो अभी बंद कर दीजिए, ग्लिमिपेरेट टैबलेट नहीं चाहिए आपको। अगर आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है, आप फास्टिंग इंसुलिन आपने बताया नहीं, अगर आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है तो ग्लिमिपेरेट मत लीजिए, ग्लिमिपेरेट बंद कर दीजिए आज से ही। एलियास जी, मेरा वेट लॉस हो रहा है तो शुगर है, कुछ बताइए वेट बढ़ाने के लिए?
वेट बढ़ाने के लिए बहुत सारे वीडियोस है, उस प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा कि वेट कैसे बढ़ाना है। ताजमोल जी पूछ रहे सर, टाइप 1 में शुगर कंट्रोल आ जाने के बाद चावल और मिठाई खा सकता? बिल्कुल खा सकते हैं भाई, मैं अभी खाऊंगा जाके। इस शो के बाद मैंने कुछ मिठाई मंगाया है, गुलाब जामुन मंगाया है, 2 गुलाब जामुन, क्योंकि आज मैंने अच्छा खासा एक्सरसाइज किया, तो 2 गुलाब जामुन अभी खाऊंगा। और चावल भी खा सकते हैं, मैं रोज एक टाइम जरूर चावल खाता हूँ, लेकिन 150 ग्राम से ज्यादा चावल नहीं खाता, तो प्लीज उसको कम रखिए, 150। उसके बाद रिवर्सल के बाद रिवर्सल कर लेंगे तो सारे चीज खा सकते हैं, जैसे कि मैं खा रहा हूं अभी। निखिल जी, ओनली पपाया कैन बी टेकन एज ब्रेकफास्ट? नो, अगर सिर्फ पपाया खाएंगे तो शुगर लेवल बढ़ेगा, पपाया के साथ आप पीनट बटर मिला के खाइए तो प्रोटीन और फैट भी मिलेगा, तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। तेजू जी पूछ रहे, कैन वी ईट स्प्राउट्स ड्यूरिंग डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम? यस, खा सकते हैं, स्प्राउट्स में अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो ज्यादा नहीं खा सकते, इसलिए कम खाइए उसको। आनंद जी पूछ रहे, डू यू पर्सनली गाइड डायबिटीज पेशेंट लाइक सम प्राइवेट क्लिनिक? यस, मेरा क्लिनिक है फरीदाबाद में, अगर कोई फरीदाबाद में मिलना चाहता है तो वो मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकता है, या फिर मैं कोचिंग देता हूँ, ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। ई डाइट ऐप आप डाउनलोड करके सारे प्रोग्राम डिटेल्स उसमें है, क्या फीस है क्या नहीं है, सब कुछ उस डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगे। अमन सिंह जी, सर कैन नेचुरल शुगर इन फ्रूट्स एंड मिल्क रेज ब्लड शुगर? नहीं, देखिए नेचुरल शुगर और मिल्क में जो शुगर है वो उतना तेजी से रेज नहीं करता है। अगर आप सिर्फ फ्रूट जूस पियेंगे तो आपका शुगर लेवल शूट हो जाएगा, अगर आप पूरा होल फ्रूट खाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें फाइबर होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, तो इसलिए धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होता है और ब्लड सर्कुलेशन में धीरे धीरे जाता है, तो शूट नहीं करेगा। तो इसलिए जो भी फ्रूट्स खाएंगे वो पूरा फ्रूट्स खाइए, जूस मत पीजिए। इफ आई एम मिसिंग एनी कमेंट्स ना प्लीज, आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज बहुत तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सारे नहीं देख पा रहा हूँ, और मैं कल दोबारा से लाइव आऊंगा, तो आप अगर मैं आज आपका कमेंट नहीं पढ़ पाया तो प्लीज कल दोबारा से जुड़िए मेरे से, और मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट और है, उसके बाद आज का सेशन खत्म करेंगे। अरुणा जी पूछ रहे, आई एम टेकिंग 1000 mg ग्लूकोफेज, आई नीड टू रिवर्स, हाउ डू आई रिवर्स? आई एम रेडी टू ज्वाइन 6 मंथ्स प्रोग्राम। तो आप ई डाइट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप ई डाइट ऐप जब डाउनलोड करेंगे एक रेफरल कोड मांगेगा, उसमें आपको डायफिट डालना है, मेरा क्लिनिक का नाम है DIFFIT, और उसके बाद आप वहां से सारे पेमेंट वगैरह जो भी है वो सारे चीज कर सकते हैं। ओके ठीक है, आई टेक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ज्योति, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ आज और मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरा गला भी ठीक नहीं है, तो लास्ट क्वेश्चन मैं कल दोबारा से आऊंगा, एंड देन आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ज्योति जी पूछ रहे, ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करनी सही है? देखिए ग्लूकोमीटर से जो शुगर हम चेक करते हैं वो एक्यूरेट नहीं आता है, उससे हमें एस्टिमेट मिलता है कि चलो भाई ये इतना है। मान लीजिए आपका शुगर लेवल 200 है, तो हो सकता है कि 25 कम भी हो सकता है, 25 ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमें एक राफ आइडिया मिल जाता है कि चलो भाई 170 180 से लेके 220 तक हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर 400 है, 25 कम भी कर देंगे फिर भी ज्यादा है ना, तो ये बात है। तो गाइज आज मैं और सवाल नहीं ले पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी, मेरा गला भी ठीक नहीं है, और इनफैक्ट मुझे गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो टाइम भी हो गया है, 10:30 बज गए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आज इस लाइव शो में ज्वाइन होने के लिए। मैं दोबारा से कल आऊंगा, फिर बात करेंगे, आपका सवाल और मेरा जवाब। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।